आप जो कुछ भी सोचते हो वो ही आपके लिए लिमिट है। अब सवाल ये है कि आप अपने सपनों के लिए कितना ज्यादा डिस्परेट हो। कुछ भी महान कभी भी नहीं होने वाला अगर आप हार मान लोगे तो। मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है। मैं ये भी जानता हूं कि आप पूरी तरीके से थक चुके हो। मुझे ये भी पता है कि आपको सब कुछ नामुमकिन लग रहा है, पर फिर भी आपको चलते जाना होगा। डट कर खड़े रहो और जीवन में जो चाहते हो वो हासिल कर लो। अगर आप जीवन में ज्यादा कुछ चाहते हो तो फिर आपके ज्यादातर जगह पर फिट ना होने की संभावनाएं हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग बस एक एवरेज लाइफ जीने के लिए सेटल हो जाते हैं, और अगर आप उनके लेवल में नीचे गिरकर नहीं रहोगे तो फिर तो समस्या है। लोग देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य पर कमिटेड हो, क्योंकि ये उन सबको बार बार ये याद दिलाएगा कि उन्होंने अपने सपनों का पीछा नहीं किया है। सबसे बड़ा कारण जिसके वजह से ज्यादातर लोग अपने सपनों का पीछा नहीं करते हैं वो है डर। वो डरते हैं कि वो जो कर रहे हैं अगर वो ना काम करे तो फिर क्या होगा। उनके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में यही चलता रहता है, और वो हार मान लेते हैं। और वो इसलिए नहीं कि उनके अंदर वो करने की क्षमता नहीं है, ना ही इसलिए कि वो जीवन के समस्याओं से बंधे हुए हैं। असली कारण तो ये है कि उनके आसपास के लोग अपने सपनों को छोड़कर एक एवरेज जिंदगी जी रहे हैं। एक एवरेज मेंटालिटी के लोग कभी भी नहीं चाहेगा कि आप जीवन में सफल बनो, क्योंकि उन्हें हमेशा से यही याद दिलाएगा कि उन्होंने हार मान लिया है। वो लोग जब आपको आपके ड्रीम को फॉलो करते देखेंगे बस यही कहेंगे कि आप बदल चुके हो। हाँ, सची तो है, आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए वाकई में खुद को बदलना पड़ा है। आपने अपने आप को डेवलप किया है। आपने ये बकवास तो सुने ही होंगे कि सफल इंसान लालची होते हैं और जीवन पैसों से ज्यादा कीमती होती है। हाँ बिल्कुल, ये सच है कि जीवन पैसों से ज्यादा कीमती है, लेकिन पैसों के बिना जीवन बहुत ही मुश्किल है। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन बी ए फिलोसोफर आफ्टर यू बिकम रिच, बट इफ यू आर पुअर यू कांट बी ए फिलोसोफर। जो भी लोग जीवन में सफल बने हैं वो बस चलते चले गए हैं जहां पर ज्यादातर लोगों ने हार मान लिया है। आप बार बार हारोगे, पर विश्वास रखना कि यही अंत नहीं है, आपको चलते जाना है। लोग यही कहेंगे कि आपको आगे बढ़ने में ये लिमिटेशंस है, पर वो ये जानते हैं कि असल में ऐसी कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती है। अभी अपना लक्ष्य को स्थिर करो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। अपने मन को शांत रखो और उसे डेवलप करते जाओ। अपने अंदर बस यही कमिटमेंट कर लो कि आप अपने लक्ष्य से हटोगे नहीं। आपके भाग्य बस आपसे मेहनत का भीख मांग रहा है। अपने भाग्य का इस छोटी सी मांग को पूरी करो और जीवन में जो चाहो वो हासिल कर लो।